भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा कौशा के रसीद कंपाउंड में 23 मई की रात में दुकान लगाने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई और 24 मई की रात में एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। दरअसल रसीद कंपाउंड डोगरे बाग के सामने ही कुछ लोग इस लॉकडाउन में दुकान लगाकर भीड़ जमा कर रहे थे और जो लोग दुकान लगाते हैं वो सामने की ही इमारत समा मंजिल के दूसरे मंजिले पर रहने वाले हैं, जिनका नाम है सलमान, चांद, सानू, फजल। और इन लोगों को डोंगरे बाग के रहने वाले अजमल, मोहसिन, सोहेल, फैज, आजम ने मना किया कि यहाँ धंधा मत लगाओ। हालांकि डोंगरे बाग के और भी लोगों ने इन चारों लोगों यानी सलमान, चांद, सानू, फजल के खिलाफ है, इन लोगों को मना किया कि गली के सामने धंधा मत लगाओ, क्योंकि गली में इन लोगों की एसी की भी दुकान है और वहां भी ये सब लोग सामान रखते हैं। मगर गली के नाके पर इन लोगों ने कपड़े की दुकान लगाकर भीड़ जमा किए तो गली के लोगों ने मना किया कि यहाँ धंधा मत लगाओ। मगर इन लोगों ने धंधा हटाने के बजाय लोगों से गाली गलौज की, ऐसा मोहल्ले वालों का कहना है, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने गाली बर्दाश्त नहीं की और इन चारों लोगों की पिटाई शुरू कर दी। ये तस्वीरें 23 मई की हैं। मनपा कहीं ना कहीं धंधा नहीं लगाने दे रही है, मगर वहीं धंधा लगाने के लिए मारपीट का ये वीडियो सामने आया है। वीडियो ये उसी वक्त का है किस तरह से मोहल्ले के लोग धंधा हटाने के लिए गली के सामने से कह रहे हैं, मगर फिर भी मारपीट हुई है। मोहल्ले के लोगों का कहना है कि ये लोग धमकाते हैं और धमका कर कपड़े की दुकान लगाए हैं, मना करने पर हंगामा किया और किसी तरह से उस दिन तो मामला शांत हो गया। मगर 24 मई को शाम में पुलिस पहुंची और दुकान लगाने वालों के विरोध करने वाले अजमल को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले गई, जबकि इस लॉकडाउन में जो दुकान लगाकर बैठे हैं उन्हें नहीं पकड़ा गया। और नतीजा ये हुआ कि रात में दुकान लगाने वाले सानू ने फैज पर धारदार हथियार से वार कर दिया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया और फैज आलम को कलवा शिवाजी अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि उसके कमर पे दो वार किए गए थे। शालू, चांद, सलमान और फजल ये चार लोग एरिया में सबको डरा धमका कर इस लॉकडाउन में खुलेआम धंधा लगाते थे और मना करने पर मारपीट की और वार भी किया। इस पूरे मामले में लोगों ने क्या जानकारी दी है हम आपको सुनाते हैं, मगर ये पूरा मामला अब मुमरा पुलिस स्टेशन में पहुंच चुका है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। कपड़े लगाते थे, रात दिन परेशान करके रखे। बच्चा उतरा बोला क्यों इतना परेशान करा, मैंने प्यार से दो टाइम बोला, तीन टाइम बोला, समझे अरे तुरे से बोलने लगा, बच्चे के ऊपर हाथ उठाने लगा। जब वो जैसे मारपीट में क्या नाम है? उसका नाम मेरे को नहीं मालूम है और हमारा घर का बच्चा है। और वो समझाया दो दिन, बोले गली वाले को टेंशन मत दे, अब कोरोना का है, पब्लिक आ रही है जा रही है, समझ में नहीं आ रहा क्या, तो उसको अरे तुरे से बात क्या, बोले तू क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा करके इसके बच्चे को मारने लगे। जब बच्चे लोग हम लोग सब चाल गए उसके खिलाफ। और ये रात का टाइम है? हाँ, ये रात का टाइम ही हुआ। दुकान जो है आपके घर के बाजू में, क्या पूरा दिन खुला रहता क्या दुकान? हाँ, पूरा दिन, रात में, सुबह में, शाम में, 24 घंटा ही दुकान खुला रहता है। उसमें एसी भी रखा हुआ है, कपड़े भी है, और फ्रूट का भी धंधा करता था, भाजी का भी धंधा करता था। रात दिन हम लोग को परेशानी थी, हम कुछ बोलते नहीं थे। दो गाड़ियाँ खड़ी करते, दो गाड़ी इधर खड़ी रहती थी इसकी, कभी रोड के पास खड़ी रहती थी, और इधर भी एसी का है उसका, उधर भी खड़ा है सब, और पब्लिक उधर भी खड़ी रहती, इधर भी खड़ी रहती थी। गज गज बाहर निकलने हम लोग को तकलीफ होती थी उससे। रात दिन मना करो तो मना करने के बाद वो सुनता नहीं। 7 तारीख के बाद पहले दो तीन दिन पहले हम लोग मना किए सबको कि भाई अब सामने पेशेंट आ गया है, सामने निकल चुका है, अभी मना, अभी बंद करो, पहले कमाए जो करे करे, दूर दूर था। अब बाजू में सबको मना किया हम लोगों ने, सब ठेला वाले ने मना कर दिए, कोई नहीं लगाता था। ये चार भाई पांच भाई थे, वहाँ एसी का भी करते थे, चलो भाई एसी का करते थे, वादा नहीं, यहाँ कपड़े का दुकान डाले, एसी का यहाँ भी डाले, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक एसी पूरा, और यहाँ पूरा कपड़ा लटका दिए। फिर उसके बाद में जब कल के दिन हम लोग अफ्तारी के बाद मना करने के लिए आए कि भाई रहने दे, अभी सबको मना किए तो क्यों कर रहा है, तो जो उसका दूसरा भाई था सानू, सलमान करके जो दूसरा भाई था, वो आके बोलता मेरा धंधा लगेगा, जो जिसको जो करना है कर लो,
और जो अपना बड़ा भाई बिल्डिंग के उसको धक्का दे दिया और कॉलर पकड़ लिया। तो दूसरा भाई जो कॉलर छुड़ाने के लिए आया, हटाने सबको लेके आया, तो वहाँ से भी दो तीन भाई और आके सीधा मारा मारी बम्बू लेके मारा मारी चालू कर दी। अच्छा, मारा मारी चालू की जो पांच भाई बता रहे आप यहाँ धंधा लगाते है, तो इन लोगों का नाम क्या है? एक का नाम चांद है, एक का नाम सानू है, एक का नाम आमिर है, एक का नाम सलमान है और एक उसका भाईजान है, नाम नहीं मालूम। पांच लोग हैं बना के, और फिर उसके बाद छुड़ाने हैं तो पूरे बिल्डिंग वाले को गाली दे रहा है, पूरे कंपाउंड वाले को, पूरे कंपाउंड वाले ने फिर के उसके ऊपर पुलिस की लेटर की धमकी दे रहा है। पुलिस की लेटर, हमको एसीपी ने कमिश्नर ने ऑर्डर दिया तुम कर सकते हो। ऑर्डर काय का दिया? वो लेटर लेके गले में, एक आईडी गले में बोलता हमको एसीपी साहब ने और यहाँ के सीनियर साहब ने, हमारे को यहाँ सीनियर साहब ने एक लेटर दिए कि हम जो करना चाहे करे, हमको कोई रोक टोक नहीं है। क्वारंटाइन है बिल्डिंग, वो बिल्डिंग क्वारंटाइन है, जबकि वो वहाँ से आते निकलना नहीं चाहिए घर से बाहर। अब बताओ ये कैसा लॉकडाउन है और कैसा क्वारंटाइन बिल्डिंग है वो? क्वारंटाइन से लोग निकल रहे भी बाहर और काम भी कर जा रहे। अब मना करो, पुलिस आई थी, पुलिस आई, आठ पुलिस लोग आते, छह लोग बिल्डिंग में चढ़ते, घर से उसको उठा के लेके जाते। किसको ले गए? आजम करके लड़का है, उसको लेके जाते। अब बताओ अपने पुलिस का, ये पुलिस का कैसा इंसाफ है? जो उन लोग धंधा लगा रहे थे उन लोगों को लेके, लोगों किसी को नहीं लेके, एक के सर पे थोड़ा माल लगा, पट्टी बांध दिया, बोलता हमें तोड़ दिए, मारे झगड़े करने में पूरे कंपाउंड वाले ने मारे, पूरे गली वाले ने, किसका मालूम नहीं। और उसने उसका नाम डाला, आठ बिल्डिंग है, 650 लोग रहते, 650 लोग यहाँ भी थे, हाँ सब खड़े थे यहाँ पे, वो कैमरे में जो होगा देख लो। तो पुलिस आती है, धंधा लग रहा है क्या? रोज ऐसे ही लगाते थे, रोज लगा लगा रहे, चार दिन से मना भी कर रहे हैं, दुकान 24 घंटा, चार दिन से मना भी कर रहे हैं कि धंधा मत करो। हम लोग कुछ 15-20 दिन पहले लगा रहे थे, लेकिन सामने बीमारी निकली तो हमने हमारा धंधा बंद कर दिया, हमारे घर का धंधा बंद कर दिया। के दरमियान यहाँ पुलिस नहीं आती थी क्या? नहीं, पुलिस आती थी उस टाइम पे हटा देते थे, पुलिस जाती थी तो वापस खड़ा कर देते, दुकान में हमने हमारा कुछ धंधा करते थे, लेकिन हम देखे बीमार हो रहे, आदमी लोग मर रहे, तो हम हमारा धंधा बंद कर दिए कि बोले भाई जान रहेगी तो जान रहेगा। इसको चार दिन से मना कर रहे, फिर भी नहीं भाई मैं करूंगा और कल झगड़ा करो उसको, और मारा पीटे में किसका उसका लग गया और उसने ये आजम का नाम ले लिया गलती से। औरतों को गाली दे रहा है, औरतों को गाली दे रहा है। ये पूरा झगड़ा कब हुआ था? आज या कल? कल हुआ था, ये कल हुआ था। कल उसने रात से फोन कर करके किसी को बोल बोल के आज बुलाया और आज अफ्तारी के बाद में लेके। इस्लामुद्दीन भाई, इसको ना हम लोग कम से कम ना एक हफ्ते से समझा रहे, आप यहाँ पे नहीं लगाओ, यहाँ पे मत धंधा लगाओ, क्योंकि ये सब बोल रहे हैं, एक जन नहीं बोल रहा है, पूरी बिल्डिंग वाले बोले तो सबको उसने डरा के कुछ ना कुछ बोल के, पांच भाई है तो सबको डरा रहा था। उसके बाद एक ऊपर आजम रहता है, वो बेचारे ने उतर के बोला, अब वो हर कुछ भी गली में गलत होता था वही बोलता है। उसने आके बोला क्या भाई हटा ले, तो बोलता मैं लगाऊंगा, बोले कौन क्या तोड़ता तोड़ ले, ये सबसे बात हुई। बोले 500 लड़के आएंगे ना 400 लड़के आएंगे, अगर बाहर निकल रहे पुलिस मारती है। जब हम लोग खुद चाहते हैं कि अपने आप को क्वारंटाइन करें कि हमारे गली में ये सब नहीं आवे, तो इस तरह से अगर लोग करेंगे तो फिर हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। वो एक्शन हुआ तो पुलिस उल्टा हमारे पे एक्शन ले रही है, ये उनका काम है देखना। वो लोग आते तो भाग जाते थे लोग कपड़े वपड़े लेके, तो इस तरह से होगा तो फिर हम लोग भी अपने आप को सेव करेंगे ना। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।